लोक जन शक्ति पार्टी की एक बैठक सूरजनगर निकट राधाकृष्ण मंदिर पीतल नगरी पर संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार राठौर ने बताया कि लोक जन शक्ति पार्टी का संगठन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों में लोक जन शक्ति पार्टी के प्रति काफी उत्साह है। लोक जन शक्ति पार्टी ने नए पदाधिकारियों को पद ग्रहण कराते हुए शपथ कराई, जिसे संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद सांसद को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कल्याणपुर मुरादाबाद वार्ड नंबर 44 में नाला और शमशान घाट बनवाने की आवश्यकता है। उसी मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। महानगर अध्यक्ष पप्पू प्रजापति ने कहा कि सभी वार्ड अध्यक्ष बूथ तक संगठन तैयार करें। जनपद बरेली में एक व्यक्ति की भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई, जिसका राशन डीलर सहित उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों के प्रति कार्यवाही की जाए। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में रमेश कुमार प्रजापति, राजू तोमर, विनय कुमार, राकेश मिश्रा, सुरेश वर्मा, सचिन ठाकुर, अनिल कुमार, मुदित शर्मा, नरेंद्र सिंह कश्यप के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आगे हमें जो उपभोक्ता किसी भी लाइन में है उसको कोई समस्या है तो हमारा समाधान करना फर्ज है उसका। आज की जो मीटिंग का मुद्दा हमारा और भी यह है कि लोक जन शक्ति पार्टी का जो संगठन है दिनों दिन हमारा बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। उसके लिए हमने जो कि आज एक बैठक की है, बैठक में कुछ नए और पदाधिकारी हमने बनाए हैं, वो यहाँ कुछ मौजूद भी हैं। और इससे पहले भी अभी हम 8 दिन पहले भी एक बैठक कर चुके हैं किसी कार्यकर्ता के, वहाँ भी हमने और पदाधिकारी नए बनाए हैं, उनको ये एक शपथ भी ग्रहण हमने अभी कराई है। और जो कि जो एक बरेली क्षेत्र के भमौरा क्षेत्र में जो राशन ना मिलने से तड़प तड़प के जिस व्यक्ति ने जान दे दी थी, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो राशन डीलर उस क्षेत्र का था और वहाँ के जो उच्च अधिकारी वगैरह, उनकी सबकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच होकर के उच्च कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ये मेरा वो है। और उनको भी एक ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि बूथ लेवल तक हमारा संगठन होना चाहिए। और गांव में तो हमारी पार्टी जा ही रही है, हर गांव में एक अध्यक्ष हम बना रहे हैं, काफ़ी अध्यक्ष हमारे बन भी चुके हैं गांव में, तो उसके लिए हम जो है मजबूती हमारा एक संगठन की ओर है, जो संगठन हमारा मजबूत हो।